अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम एक्सरसाइज के सोल्यूशन बताए जाएंगे। इसके अलावा एसएल और बेस क्वेश्चन और उनके भी सोल्यूशन बताए जाएंगे। मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाएँ और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पर हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, टेंथ क्लास में, नाइन्थ क्लास में फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा की थी, वही फैक्टराइजेशन यहाँ पे रिपीट हो रही है। ठीक है, जहाँ पे हमने ए स्केयर प्लस फोर बी स्केयर को हमने फैक्टराइज करना है। बाय कंप्लीटिंग स्केयर हम इसे फैक्टराइज करेंगे। हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है ए प्लस बी होल स्केयर का। हम फॉर्म बनाएंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। ठीक है, ये फॉर्म बनाएंगे तो हमारे पास होल स्केयर कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए होल स्केयर प्लस टू बी होल स्केयर। ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो गया प्लस टू, ए की जगह पे ए और बी की जगह पे टू बी आ जाएगा। और जाहिर बात है कि हमने खुद से ऐड किया है, जिसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हम इसको कुछ इसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ तक तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस टू बी होल स्केयर। ठीक है, इसको हम देखें तो ये हमारे पास फोर ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसी तरह से होगा। मज़ीद फैक्टराइज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे होल स्केयर नहीं है हमारे पास। अगर होल स्केयर बन सकता तो हम इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिख सकते थे। ठीक है, इसका मतलब हमें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए फोर ए बी की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास, नाइन ए स्केयर प्लस सिक्सटीन बी स्केयर है। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, थ्री ए होल स्केयर फोर बी होल स्केयर प्लस टू ए की जगह पे थ्री ए बी की जगह पे फोर बी, और इसी को हम माइनस भी कर देंगे, टू थ्री ए इंटू फोर बी। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री ए प्लस फोर बी का होल स्केयर आ जाएगा माइनस, ये हमारे पास फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेंटी फोर ए बी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा कंप्लीट। अगर यहाँ पे हमारे पास होल स्केयर होता तो हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म बना सकते थे। ठीक है, या अगर ये हमारे पास ए पावर फोर प्लस बी पावर फोर या नाइन ए पावर फोर प्लस सिक्सटीन बी पावर फोर की फॉर्म में होता तब भी हमारा फॉर्मूला बन सकता था, लेकिन ये स्केयर की फॉर्म में है तो ये मज़ीद फार्मूला हमारा नहीं बन सकता। तो थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री वाई स्केयर, अगर ये भी इसी तरह का है तो इसको देखा जाए ये कम्प्लीट स्केयर हमारे पास नहीं है ना। तो अब इसमें से क्या करें, थ्री कॉमन ले लें। ठीक है, तो थ्री कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम फॉर्मूला कैसे ही कंप्लीट करेंगे, क्या आएगा, थ्री एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई और माइनस टू एक्स वाई। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारे पास थ्री इंटू एक्स प्लस टू वाई का ये होल स्केयर बनता है और माइनस टू एक्स वाई आता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारे क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे। अगर कम फैक्टराइज करना है ना, फैक्टराइज मतलब आप उसको कितना फैक्टराइज करें कि मज़ीद सिंप्लीफाई ना हो सके, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।